सिस्टम फॉर स्टेप एंड थिंग। अभी तक हम लोग सब कुछ दे चुके थे अंडर डैम सिस्टम के लिए, परसेंटेज ओवरशूट क्या होता है, परसेंटेज अंडरशूट क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, सब हम लोग दे चुके थे। आउटपुट रिस्पॉन्स ऐसा क्यों आता है और क्या होता है आउटपुट रिस्पॉन्स, सब चेक कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे अनडैम सिस्टम के लिए आउटपुट रिस्पॉन्स। थर्ड हमारा है क्रिटिकली डैम सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। बच्चों लोग इम्पल्स इनपुट के लिए भी देख सकते हैं, रैंप इनपुट के लिए भी देखेंगे, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू और तुम्हारे एकेडमिक सिलेबस में भी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टेप इनपुट का है, ठीक है। हम लोग इम्पल्स और रैंप भी देखेंगे, लेकिन स्टेप इनपुट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। वी नो क्रिटिकली डैम सिस्टम के लिए जीटा का वैल्यू क्या होता है, जीटा विल बी इक्वल टू 1। दिस इज हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम CHRS, ठीक है। दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। CHRS जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा सिस्टम देख रहे हैं बच्चों, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो चलो लोकेशन ऑफ पोल चेक कर लेते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है 1 प्लस जीएस एचएस इक्वल टू 0। 1 प्लस जीएस एचएस क्या है, दिस वन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीटा, जीटा का क्या वैल्यू है, 1। तो अगर हम यहाँ पे लोकेशन ऑफ पोल चेक करें तो एस 1, 2 becomes out to minus zeta omega n plus minus j omega n under root 1 minus zeta square. Put zeta equal to 1 in this equation. This is location of pole. ये कहाँ से आया? तो इस characteristics equation को solve करके zeta equal to 1 put करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 minus 1 0 and this imaginary term will comes out to be 0. तो location of pole तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा एन। मीन्स तुम्हारे पास दो पोल है सेम लोकेशन पे, रियल पार्ट पे माइनस ऑफ ओमेगा एन पे, यहीं पे दो पोल तुम्हारा लाइक कर रहा है। ये हम लोग पहले भी देख चुके थे, लेकिन सिंस हम लोग क्रिटिकली डैम सिस्टम को देख रहे हैं तो थोड़ा ओवरव्यू हम लोग देख लेना है कि क्रिटिकली डैम सिस्टम का क्या होता है। तो दिस इज तुम्हारा लोकेशन ऑफ पोल, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, रियल पार्ट प्रेजेंट है। एक और चीज देखी थी हमने क्रिटिकली डैम सिस्टम का कि फॉर एरर बैंड, फॉर 2% एरर बैंड सेटलिंग टाइम इन जनरल बाकी सब सिस्टम के लिए क्या होता है 4 tau, बट फॉर क्रिटिकली डैम सिस्टम TS will be equal to 6 tau। और ये भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ये भी हम प्रूफ करके देखेंगे कि सेटलिंग टाइम 6 tau क्यों लेते हैं, 4 tau क्यों नहीं लेते, बाकी सब सिस्टम के लिए 4 tau, 2% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम विल बी 4 tau, बट ओनली फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम सेटलिंग टाइम विल बी 6 tau, ठीक है। तो ये हमारा लोकेशन ऑफ पोल हो गया। अब हम यहाँ पे इनपुट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, स्टेप इनपुट, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, तो हमारा CS by RS ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये हम किसके निकाल रहे हैं, क्रिटिकली के लिए। तो चलो CS by RS क्रिटिकली डैम सिस्टम के लिए क्या होगा, तो पुट जीटा इक्वल टू 1, CS by RS कम्स आउट टू बी ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर जीटा इक्वल टू 1 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। देख लो ये एक इक्वेशन बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। दिस इज हमारा ट्रांसफर फंक्शन फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अब इनपुट हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप इनपुट। तो चलो स्टेप इनपुट ले लेते हैं, दिस इज हमारा स्टेप इनपुट ए u। व्हाट इज द लैप्लास ऑफ स्टेप इनपुट, RS इज इक्वल टू a बाय, तो हमारा इनपुट क्या हो गया, a बाय s।
ठीक है। तो अब हम इसका आउटपुट रिस्पॉन्स चेक करेंगे। सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। सिर्फ आउटपुट रिस्पॉन्स चेक करने के सारे स्कोप साइड लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया इन टू आर एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस? तो आर एस हमारा है ए बाई एस। पुट आर एस इक्वल टू ए बाई एस। अब तुमको इस सिस्टम का आउटपुट रिस्पॉन्स चेक करना है। तो आउटपुट रिस्पॉन्स अगर तुमको टाइम डोमेन में निकालना है तो क्या करोगे? इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो चलो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो ए नॉट बाई एस, ए नॉट बाई एस प्लस ए वन बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ए टू बाई एस प्लस। ठीक है, इस तरह से इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। नाउ तुम अब ए नॉट, ए वन और ए टू का वैल्यू निकालो। तो ए नॉट विल बी इक्वल टू, तुम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन करना बताया है कैसे होता है। ये है हमारे पास पूरा ट्रांसफर फंक्शन। ए नॉट के डिनोमिनेटर में क्या है? एस। तो इस टर्म से हम एस को हटा देंगे और बचेगा क्या? ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू किसका पुट करेंगे? तो जिसको हम रिमूव किए हैं इससे उसका। तो पुट एस इक्वल टू जीरो, पुट एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या बच जाएगा? जीरो हो गया, ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल। ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया। ठीक है, नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे? ए वन। तो ए वन के डिनोमिनेटर में क्या है? एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो s प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इसे हटा दो तो क्या बचा? a ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस, a ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस। और s इक्वल टू जिसको तुम रिमूव किए हो, किसको रिमूव किए थे? s प्लस ओमेगा एन इक्वल टू जीरो, तो पुट s इक्वल टू माइनस ओमेगा एन। हम इसमें s इक्वल टू माइनस ओमेगा एन पुट करते हैं बच्चों, तो क्या जाएगा? यहाँ पे माइनस ओमेगा एन, तो a ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा एन कैंसिल। तो ये इक्वेशन आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ ए ओमेगा। क्लियर है? ये बहुत बार बता चुके हैं तुम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन पे कि जब भी इस तरह का टर्म हो स्क्वायर वाला उसको हम किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट बचा ए टू। तो ए टू के डिनोमिनेटर में देखो एक ही है एस प्लस ओमेगा एन, तो हम इससे इसको हटाएंगे रिमूव करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? तो इस पूरे टर्म को जो बचा उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई एक एक टर्म नहीं है एस प्लस ओमेगा का, क्या है? स्क्वायर है उसमें, बट यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? एस प्लस ओमेगा। तो इस तरह के इक्वेशन को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो ए टू तो तुम इसको रिमूव कर दो यहाँ से और जो बचा उसको डिफरेंशिएट करो, तो कितना जाएगा? माइनस ऑफ। वैल्यू किसका पुट करोगे? जिसको हटाए तो एस इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा, तो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा माइनस ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस ए। तो हम ए नॉट ए वन ए टू तीनों का वैल्यू निकाल ली तो सी एस आ जाएगा। सी एस विल बी ए नॉट बाय एस ए बाय एस ए वन बाई एस प्लस ओमेगा। ए वन का वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस ए ओमेगा डिवाइडेड बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ए टू क्या है? माइनस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस ओमेगा एन। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया आउटपुट रिस्पॉन्स। अब इसका तुम क्या करोगे? इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं बाकी। यूटी तुम्हारा कॉमन रहेगा ही, क्योंकि जितना भी फंक्शन सब हम कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड वाले को हम लोग इक्वेट करते हैं, तो यूटी कॉमन आएगा। ए बाई एस इज ए यूटी। ओके, नेक्स्ट माइनस ऑफ ए ओमेगा एस प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? टी टी ई टू दी पावर माइनस ऑफ ओमेगा एन।
इसका पार्शियल फ्रैक्शन बता चुके हैं तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट माइनस ऑफ के लिए e टू द पावर माइनस ओमेगा n, ठीक है। और ये सारे के साथ क्या हो, जो ut ना बाहर ही ले लेते हैं, ये सारे के साथ ut कॉमन, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो चलो a को हम यही रहने देते हैं माइनस ऑफ, इससे क्या कॉमन आ रहा है, ये e टू द पावर माइनस ओमेगा n, a e to the power minus omega n t, कितना बचा बच्चों, omega n t minus 1, और whole कर दो u of t, this is तुम्हारा output response of, sorry this is minus 1 में होगी ना, ये plus हो जाएगा, this is तुम्हारा output response of क्रिटिकली डैम्प सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। तो तुम इस आउटपुट रिस्पॉन्स का अगर ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ के लिए क्या करोगे बच्चों, तो पुट इनपुट जीरो इक्वल टी इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, नेक्स्ट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इन दिस इक्वेशन, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन का ग्राफ विल बी ये देखो, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जो तुम्हारा कहीं ना कहीं जाके जीरो होगा, तो लास्ट में क्या बचेगा ई, यानी इसका ग्राफ प्रूफ करके देख सकते हो इस इक्वेशन से, दैट विल बी लाइक दिस, दिस इज तुम्हारा सेटलिंग टाइम फॉर 2% एरर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग 4 टाउ ना लेकर के 6 टाउ क्यों लेते हैं फॉर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। तो ध्यान से देखो, हमारे पास आउटपुट रिस्पॉन्स क्या है, ए माइनस ऑफ ए, ओमेगा सबको ही जानना है क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड फंक्शन को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट रिस्पांस अब हम चेक करेंगे बच्चों कि 2% एरर बैंड के लिए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में 4 टाउ नहीं लेकर के 6 टाउ क्यों लेते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम सेटलिंग टाइम लिए हैं 4 टाउ, इसके लिए 2% एरर बैंड, ठीक है। तो डी विल बी 4 टाउ एंड व्हाट इज द टाउ, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाउ क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, 1 बाई रिवर्स रोटेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द कोड, 1 बाई ओमेगा एन। तो फॉर सेटलिंग टाइम कितना जाएगा 2% के लिए, तो टी एस विल बी इक्वल टू 4 बाई ओमेगा एन, ठीक है। अब हम इसमें चेक करके देखते हैं, तो सी टी इक्वल टू 4 बाई ओमेगा एन पुट कर बच्चों, तो यहाँ पे ए माइनस ए ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एन टी, टी की जगह क्या पुट करोगे, 4 बाई ओमेगा एन, ए ई टू दी पावर माइनस ऑफ ओमेगा एन 4 बाई ओमेगा एन 1 प्लस ऑफ ओमेगा एन 4 बाई ओमेगा एन, ओमेगा एन ओमेगा एन ओमेगा एन ओमेगा एन कैंसिल, तो ये आ गया तुम्हारा, ये कॉमन ले लो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 1 5। तो इसको सॉल्व करो, आफ्टर सॉल्विंग दिस ये तुम्हारा आएगा 0.918, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट एरर आ रहा है, 9%। आउटपुट कितना होना चाहिए ए, लेकिन आउटपुट आ कितना है 0.918, तो एरर कितना है 9%। क्या एरर 2% है, नहीं, जबकि हम लोग किसके लिए लिए थे 2% एरर बैंड के लिए, तो ये इक्वेशन तुम्हारा जस्टिफाइड नहीं करता है, नॉट justified because your error will be 9% for 2% error band, हम लोग कितना लिए 4 tau, तो 4 tau किसका होना चाहिए 2% के लिए, यानी तुम्हारा यहाँ पे कितना आना चाहिए था output, approx 98% आना चाहिए था, लेकिन output कितना आ रहा है 0.918, तो error कितना आ रहा है 9%, 2% नहीं आ रहा है, इसलिए
फॉर 2% एरर बैंड हम सेटली 94 टाउ नहीं लेते क्योंकि ये इक्वेशन को जस्टिफाइड नहीं करता है। चलो हम 6 टाउ लेके देखते हैं। तो 6 टाउ के लिए क्या पुट करोगे बच्चों? 6 बाय ओमेगा एन। हियर ए माइनस ए ए टू द पावर माइनस ओमेगा एन 6 बाय ओमेगा एन 1 प्लस ओमेगा एन 6 बाय ओमेगा एन ओमेगा एन कैंसिल। तो ए कॉमन ले लो 1 माइनस ए टू द पावर माइनस 6 इनटू 7। इसको सॉल्व करने के बाद आउटपुट विल बी 0.988 जो कि तुम्हारा एरर कितना है 2% का डिफरेंस आ रहा है। आउटपुट तुम्हारा कितना आना चाहिए ए, लेकिन आया कितना 0.988 यानी यहाँ पे तुम्हारा 2% ऑफ एरर बैंड आ रहा है। तो ये जो है तुम्हारे इक्वेशन को जस्टिफाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम वी आर टेकिंग सेटलिंग टाइम एज 6 टाउ नॉट 4 टाउ। तो ये तुमको हम प्रूफ भी करके दिखा चुके हैं। याद रखना दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो याद रखना। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम स्टेप इनपुट के लिए। ओके चलो थैंक यू बच्चों।